तो हे व्हाट्सअप गाइस, अगर आप भी एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो और आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अच्छा हाँ, तो गाइस आज के स्टूडियो में हम आपको एक सीक्रेट वेबसाइट देने वाले हैं जिसकी हेल्प से एक दूध पीता बच्चा भी हाई परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड कर सकता है। और इसमें आप जैसे जैसे अपना पीसी बिल्ड करते जाओगे वैसे वैसे आपको उसका प्राइस पता चलता जाएगा, जिससे कि आप अपने बजट में एक बेस्ट पीसी बिल्ड कर सको। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो आप जितना चाहे उतना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। हाँ, तो गाइस हमारा नाम है चंदन, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आज अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम लोगों को एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक आपको हमारे ब्लॉग चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर उस वेबसाइट का नाम भी देखने को मिल रहा है, तो उस नाम को देख के आप डायरेक्ट उसे सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस देख सकते हो हमारे वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बिल्डर है, ब्लॉग है, अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है। देन आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और कुछ पोस्ट भी हैं। और यहाँ पे CPU, कूलर, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, GPU, CPU, केस, PSU, ऐसे आपको बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में सभी डिस्क्राइब भी किया गया है कि कैसे कैसे वर्क करेगा और क्या यूजेज है और कौन सा मॉडल है, ये सब भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज भी दिया गया है, जैसे 39,000, 69,000, 1,29,000, 1,99,000, ऐसे यहाँ पे प्राइस दिए गए हैं। और नीचे की साइड देखोगे यहाँ पे आपको उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितने GB रैम है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको PC के रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे एक लड़की है जो PC चला रही है। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बेस्ट मॉनिटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसमें PC बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक बिल्डर का ऑप्शन देखने को मिला है, ऊपर के साइड देख सकते हो। आपको इस पे टैप कर देना है, देन अगेन आपके सामने कुछ स्क्रीन लोडिंग होगा। देन अगेन देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला है। देन अगेन आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको PC के बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि CPU और CPU कूलर, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, GPU, ऐसे आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिए गए हैं। तो आपको एक एक करके चूज करना है अपने हिसाब से। तो हम सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे, तो चलिए हम एक PC बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम CPU चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। देन अगेन आपके सामने कुछ स्क्रीन लोडिंग होगा। देन अगेन देख सकते हो हमारा जो CPU था वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे उसका प्राइस देख सकते हो इंडियन रुपीज में देखने को मिल रहा है। और आपको नीचे आना है, आपको जो CPU या जो भी कंपोनेंट पसंद आ रहा है उसके नीचे एक सिलेक्ट का बटन दिया हुआ है, आपको उस पर टैप कर देना है। तो आपका जो भी कंपोनेंट होगा वो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम नीचे स्वाइप कर लेंगे और यहाँ पे उसका नाम भी दे सकते हो। उसका नाम देखने को मिला है इंटरकोर i5। और नीचे आओगे तो यहाँ पे इंटरकोर i5, हम नीचे आएंगे, नीचे कोई एक रैंडम सा चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ से एक चूज कर लिया है, तो हमारा ये चूज हो चुका है 23,000। और यहाँ पे कार्ट में दे सकते हो 23,000 हो चुका है। और आपको मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे आप जो फर्स्ट कंपोनेंट चूज करोगे और उसमें जो अटैचेबल होंगे, जो जो कंपोनेंट लग सकते हैं इस CPU में, वही आपको रिकमेंडेड ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। जैसा आप PC बनाओगे तैसा ही आपको रिकमेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आप इधर से कोई भी उठा के इधर से कोई भी उठा के दोनों एक साथ मर्जी ना हो, ऐसा आप PC नहीं इसमें बना सकते हो। आपके जो कंपोनेंट जिस प्रोसेसर के साथ लगेंगे वही आपको रिकमेंडेड ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने कोई CPU परचेज कर लिया या RAM ही परचेज कर लिया और आपस में मर्ज कर रहे हो, लगा रहे हो, तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो उसमें सूटेबल होगा उसके लिए वही आपको रिकमेंडेड ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक CPU चूज कर लिया है, तो यहाँ पे हमको CPU कूलर एक चाहिए, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई एक रैंडम सा चूज कर लेंगे। तो हमारा एक चूज हो चुका है। और यहाँ पे भी इसका जो प्राइस है लगभग 7,000 के अप्रॉक्स है। और यहाँ पे टोटल दे सकते हो, ऐसे ही उसका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप चूज करते जाओगे। यहाँ पे मदरबोर्ड हमको चूज करना है, तो मदरबोर्ड हम चूज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे दे सकते हो एक प्राइस लो टू हाई का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो कि टाइटल A to Z हो, Z से A हो, प्राइस लो टू हाई हो, हाई टू लो हो, और सॉर्ट बाय लेटेस्ट, जो लेटेस्ट PC हैं उनके रिलेटेड कंपोनेंट जो लगेंगे वो भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट सभी कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे PC में जितने भी कंपोनेंट लगते हैं हमने सभी को ऐड कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10,500 का देखने को हमको मिलेगा, और यहाँ पे 28,000, और यहाँ पे 27,000, और 5,000, 4,000,
31,000, 6,000 और यहाँ पे आप ऊपर के साइड देखोगे तो टोटल प्राइस हम लोगों को देखने को मिल रही है कि आपको इस पीसी को बिल्ड करने में कितना पैसा आपका लगेगा, कितना प्राइस उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टोटल निकाल के आया 1,37,167 रुपीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऐड टू बिल्ड का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे क्लिक करके अपने पीसी को बिल्ड कर सकते हो। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करके इसे शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ। तो हमारा अनलोडिंग हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो आपने जितने भी कंपोनेंट चूज किए हैं उनका नाम देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप सभी को एक एक करके पढ़ सकते हो। देन अगेन आपको नीचे आना है, इसके जो पार्ट आपने जो जो चूज किए हैं यहाँ से आप उसे देख सकते हो। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सभी पार्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो उसका प्राइस भी दिया गया है और इसकी क्वांटिटी यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, एक से ऊपर चाहिए एक से नीचे चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक लिखा है प्रोसेस टू चेकआउट, आपको इस पे टैप कर देना है अगर आपको परचेस करना है तो। तो हमारा कुछ ऊपर है, देन अगेन दे सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अमेजन, तो हमें अमेजन पे रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमें सभी कंपोनेंट हमारे कार्ट में डायरेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, आप इसे परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप अमेजन के थ्रू इसे परचेज कर सकते हो। और ये वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए क्योंकि आपको कोई भी अगर पार्ट परचेज करो तो डायरेक्ट आप परचेज करके उसे चेक नहीं कर सकते हो, बट इसमें आप सभी पार्ट को एक करके ऐड करके उसके बाद उसका प्राइस भी दे सकते हो और आप जाके यूट्यूब पे उसका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो, वो कैसा वर्क करती है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। खत्म। हाँ तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, बाय।